लापता 24 करोल बाग आ जाइयो। क्या हुआ इसे? पता नहीं पापा जी, खड़े खड़े अपने आप ही बेहोश हो गए। बेहोश हो गए? आप नकुल जी से कह दीजिएगा कि नीतू अभी है। तो मैम कोई बात नहीं, मैं बता दूंगा, आप चिंता मत कीजिए। अगर आपको किसी चीज की जरूरत हो तो और डॉक्टर के पास। नहीं, मेरा मतलब है हमें किसी चीज की जरूरत नहीं, आप जा सकते हैं। थैंक यू नीतू। क्या हुआ नीतू? अरे बेहोश होकर गिर गई है। सॉरी आंटी जी, मैं विकी दुग्गल, नीतू के साथ कॉलेज में पढ़ता था। मैं चलता हूं। नीतू, नीतू, नीतू। अभी नीतू कहां है? हवशी। अच्छा, तो तुम तक भी खबर पहुंच गई। अरे वाह, ऐसा लगता है जैसे तुम इसी घर में रहते हो। अभी तुम्हें अंदर जाने की कोई जरूरत नहीं है। अभी क्या मतलब? मैं एफडी के बारे में? क्या क्या कहा तुमने? ये मत समझना तुम्हारी गलती पकड़ी नहीं जाएगी। सभी गलतियां पकड़ी जाती है, उसकी सजा भी मिलती है, समझी? एफडी के बारे में क्या पता है और कैसे? आई लव यू नीतू, आई लव यू। अच्छा, मुझे कोई नहीं मिस करने वाला मेरे घर में। आई लव यू टू विक्की, आई लव यू टू। ऐसी क्या बात है? मैं मीटिंग में बिजी था। अच्छा जल्दी बोलो क्या हुआ है। अनुज, तुमने पापा जी की एफडी तोड़वाई क्या? हाँ, इट्स अंडर प्रोसेस। क्यों, क्या हुआ है? नीतू कैसी है? नकुल का फोन आया था मुझे, मैं तुम्हारे घर भी आया था, लेकिन अनीता ने मुझे अंदर नहीं घुसने दिया। क्या वो अंकल जी? हाँ ठीक है। वो अनुज को ऑफिस में फोन करो ना तो चिढ़ जाता है। नहीं तो उसकी तबीयत खराब है, उसकी टेंशन उस पर से। मेरी कॉलेज की टीचर्स फोन करके पूछ रही है कि इस साल पिकनिक कहाँ करनी है, बताओ। ये तो मेरी कॉलेज की टीचर्स फोन करके पूछ रही है कि इस साल पिकनिक कहाँ करनी है। बात है सिमी दी, आप झूठ बड़ी सफाई से बोलने लग गई हैं। मेरा फोन? हाँ, वो मैं सोच रही थी अनुज मेरा फोन नहीं उठा रहा ना, तो मैंने सोचा आपके फोन से करके देख लूं। अनीता मुझसे पूछ लेती तो मुझे अच्छा लगता। पूछूंगी तो मैं आपसे सिमिति, जल्द पूछूंगी आपसे कि अभी आपको इतना फोन क्यों करता है और मेरे भाई से ही बात करके मुझसे ही झूठ। ये रास्ता मैं आपसे जानकर ही रहूंगी सिमिति। लापता 24 करोल बाग आ